शिवानी, हमने देखा एक तरफ पगड़ी लेकर रंगीला ने रूम में एंटर किया है, वो पगड़ी का क्या पूरा मामला है? मुझे नहीं पता पगड़ी लेके आया, एक्चुअली मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी थी पायल देखने के लिए, तो मैं पायल देखती हूँ। तो क्या उस तक क्या बातें हुई आप दोनों के बीच? तो बेसिकली मैंने पायल देखा जो मेरी पायल थी, और मैं यही बोल रही थी कि मेरी पायल है और कहीं गिर गई थी, रंगीला जी के पास कैसे है। तो जब रंगीला जी ने वो पायल मेरे हाथ में देखा, तो उन्होंने बोला कि बोलते ना कि भगवान का दिया हुआ कोई साइन मिलता है या कोई कुछ मिल, हाँ। सो उन्होंने बोला कि वो है, और मैं इस गुफा मंदिर में गया था और मैंने पूजा की, और मेरे साइड में कोई लड़की, हम मैंने तो आग बंद करी थी, लेकिन साइड में कोई लड़की थी, उसने भी प्रार्थना की और हम दोनों के ऊपर झंडा गिरा और मेरे ऊपर भी गिरा। तो मैं ऐसी थी, तो मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, ये लड़की तो मैं ही हूँ। तो मैं भोलेनाथ जी से बोलती हूँ कि कितना अजीब है ना कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो लेकिन फिर भी हम साथ में नहीं रह सकते, और उनको पता नहीं कि वो लड़की मेरे को पायल वाली। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा रंगीला आप लोग को कहीं भगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी में है, क्या ये क्या था मामला? तो क्योंकि हमने वो प्ले किया है कि मैं मर गई हूँ, तो इसलिए वो चाहते कि मैं बेरानपुर से चली जाऊँ बिफोर वी ठीक हो जाए, तो वही। अच्छा, लास्टली बहुत कोशिशें कर रहे हैं आप पूरे ताकि आप बच जाए, ये देखकर शिवानी के दिल में और तो थोड़ी फीलिंग जाग रही है रंगीला के साथ? हाँ, फीलिंग्स तो शिवानी के लिए है ही, बट रंगीला के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, मतलब वो उनके लिए मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, बिकॉज वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। तो आपके दिल में थोड़ा और फीलिंग जाग रही है? अरे, और कितना जागोगे, शिवानी के दिल में बहुत वाली फीलिंग्स है, तो हाँ, वो जागते ही रहते हैं उसके लिए।